Hello everyone, in this video we are going to do re-indexing and ordering labels in data frame. आप data frame के अंदर re-indexing कर सकते हो, labels को, column labels को alter कर सकते हो, right? When we create a data frame object, जब आप data frame object को create करते हो, it gets its row numbers or the indexes. By default उसको क्या मिलता है? Indexes मिलते हैं और you can say row number मिलते हैं, okay? 0, 1, 2, 3 like this, okay? And the column labels automatically और column labels भी automatically आ जाते हैं, fine? इंडेक्स रेफर्स टू द लेबल्स ऑफ एक्सेस जीरो. तो यहाँ पे जो वर्ड इंडेक्स हम यूज करते हैं वो बेसिकली किस लिए होता है? वो होता है आपके रोज के लिए, एक्सेस जीरो के लिए, राइट? इंडेक्सेस जो वर्ड यूज किया जाता है वो रो लेबल्स के लिए किया जाता है, रो नेम्स के लिए किया जाता है, राइट? एंड कॉलम रेफर्स टू द लेबल्स ऑफ एक्सेस वन. और कॉलम यहाँ पे बेसिक ये क्या कहना चाहता है कि जो ये वाला एक्सेस है, रोज वाला एक्सेस है, राइट? इसको हम कंसीडर करते हैं जीरो एक्सिस, ओके? एंड जो कॉलम वाला एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है, इसको हम कंसीडर करते हैं एक्सिस वन, ओके? एंड रोज के इंडेक्सेस को, राइट, रो लेबल्स कहा जाता है, कॉलम के इंडेक्स को कॉलम लेबल्स कहा जाता है, फाइन? लेकिन अगर आप सिंपली इंडेक्स वर्ड यूज कर रहे हो तो इंडेक्स हमेशा रोज रो लेबल्स के लिए ही यूज किया जाता है, ओके? We can change the row indexes and column labels. देखो यहाँ पे row के साथ indexes use हुआ है, column के साथ labels use हुआ है, right? तो अगर simple अगर आपको index word दिया गया है तो you should know that कि वो किसके लिए दिया गया है, row के लिए दिया गया है, fine? We can change the row indexes and column labels of data frame by using various method. हम row index को भी change कर सकते हैं और column labels को भी change कर सकते हैं with the help of the various methods, with the help of the various functions provided by pandas library of python. ओके, तो पाइथन की पांडास लाइब्रेरी आपको कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करती है जिसकी हेल्प से आप डेटा फ्रेम की रोज इंडेक्सेस को चेंज कर सकते हैं एंड कॉलम लेबल्स को चेंज कर सकते हैं, ओके? सो फर्स्ट वी हैव रीनेम मेथड. रीनेम फंक्शन रीनेम्स द एग्जिस्टिंग इंडेक्सेस और कॉलम लेबल्स इन अ डेटा फ्रेम, राइट? तो रीनेम फंक्शन क्या करता है, जो ऑलरेडी आपके डिफॉल्ट इंडेक्स है, ओके, रो लेबल्स हैं, ओके, एंड कॉलम लेबल्स हैं, उनको क्या करता है, रीनेम करता है. अब उसको दोबारा से एक डिफरेंट नेम दे सकते हो, राइट? रीनेम फंक्शन का यूज करते हो तो आप रीनेम फंक्शन के अंदर कैसे चेंज करते हो, आप ओल्ड इंडेक्स नेम्स, ओके, एंड कॉलम लेबल्स को, राइट, ओल्ड इंडेक्स वैल्यूज को एंड कॉलम लेबल्स को एंड न्यू इंडेक्स वैल्यूज एंड कॉलम लेबल्स को एज अ डिक्शनरी पास करते हो रीनेम फंक्शन के अंदर, ओके? वेयर कीज आर द ओल्ड इंडेक्सेस, जहां पे कीज क्या होती है, ओल्ड इंडेक्स होता है, ओके, और कॉलम लेबल्स होता है, एंड द वैल्यूज ऑफ द की, और की की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, न्यू नेम. तो ये अभी मैं जब आप प्रैक्टिकली करोगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. आपको इतना समझना है कि रीनेम फंक्शन से आप इंडेक्सेस को एंड कॉलम लेबल्स को रीनेम कर सकते हो और रीनेम फंक्शन के अंदर आप ओल्ड इंडेक्स एंड न्यू इंडेक्स को और यू कैन से ओल्ड कॉलम लेबल्स एंड न्यू कॉलम लेबल्स को पास करते हो इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, राइट? जिसमें की वैल्यू क्या होती है, मतलब की क्या होती है, की होती है आपका ओल्ड इंडेक्स या ओल्ड कॉलम लेबल एंड आपकी वैल्यू होती है न्यू इंडेक्स या न्यू कॉलम लेबल, राइट? नाउ वी हैव द सिंटेक्स. इसका सिंटेक्स क्या है, डेटा फ्रेम डॉट रीनेम फंक्शन, ओके, एंड रीनेम फंक्शन के अंदर आप क्या करोगे, आप पैरामीटर पास करोगे इंडेक्स या फिर पैरामीटर पास करोगे कॉलम, जो भी आपको चेंज करना है, एंड यू विल गिव द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, राइट? यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट आपका पैरामीटर एक्सिस, एक्सिस में आप बताओगे आप एक्सिस जीरो को यहाँ पे चेंज कर रहे हो या एक्सिस वन को चेंज कर रहे हो. जीरो मीन्स रो इंडेक्सेस एंड वन मीन्स कॉलम लेबल्स, राइट? इन प्लेस पैरामीटर क्या होता है, अगर इन प्लेस की वैल्यू ट्रू कर देते हो आप, राइट, बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स होती है, अगर इन प्लेस की वैल्यू आप ट्रू कर देते हो तो जो भी आप चेंज कर रहे हो वो क्या होगा, ओरिजिनल डेटा फ्रेम के अंदर होगा, फाइन? अदरवाइज अगर इन प्लेस फॉल्स है तो क्या होगा, आपको एक न्यू डेटा फ्रेम मिल जाएगा विद द डिजायर्ड चेंजेस, राइट? आपको न्यू डेटा फ्रेम मिलेगा जिसके अंदर चेंज होंगे नेम्स, बट ओरिजिनल डेटा फ्रेम में कोई चेंज नहीं होगा, फाइन? यहाँ पे देखो इंडेक्स और कॉलम्स क्या है, डिक्शनरी ऑफ ओल्ड एंड न्यू रो इंडेक्सेस और कॉलम लेबल्स, ओके. एक्सिस मैंने आपको बता दिया है, एक्सिस में या तो आप 0, 1 डिफाइन कर सकते हो या फिर आप नेम भी लिख सकते हो, और इन प्लेस अगर ट्रू है तो क्या होगा, ये जो चेंज है वो किसमें होगा, ओरिजिनल डेटा फ्रेम होगा, ओके. नाउ वी विल डू इट प्रैक्टिकली, ओके. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, इम्पोर्ट पांडास एज पीडी, राइट? आपने पांडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लिया, राइट? इम्पोर्ट numpy एस एनपी,
हमने numpy लाइब्रेरी को भी इम्पोर्ट कर लिया है. ओके नाउ आप अब क्या क्रिएट कर रहे हो, एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हो यहाँ पर, राइट? क्योंकि हम किससे डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, डिक्शनरी से. फाइन, तो यहाँ पे मेरी की नेम है और इसकी वैल्यूज मैं दे देती हूँ यहाँ पर. नेक्स्ट हम दे देते हैं नेक्स्ट हम ले लेते हैं इसके अंदर की एज. फाइन, इसकी वैल्यू भी हम एज अ लिस्ट दे देते हैं यहां पर. स्टूडेंट नेम्स ले लिए हैं, एज ले लिया है हमने, ठीक है. ओके नेक्स्ट आप ले लो मार्क्स, आईपी के मार्क्स ले लो, राइट? मैंने सिंपल मार्क्स लिख दिए थे, आईपी मार्क्स आप ले सकते थे, 85 लिख देते थे इसमें. ओके राइट, हमारे पास डिक्शनरी आ गई है. अब हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे इस डिक्शनरी से, राइट? डीएफ हमने एक वेरिएबल ले लिया है, पीडी डॉट. अब डेटा फ्रेम फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, डेटा फ्रेम. ओके, पीडी डॉट डेटा फ्रेम. पीडी आपका क्या है, पांडास है, पांडास लाइब्रेरी है, और पांडास लाइब्रेरी का फंक्शन है डेटा फ्रेम फंक्शन, राइट? और इसमें आप पास कर दो अपनी डिक्शनरी को. फाइन, हमने इसको पास कर दिया. यहाँ पे हम लिखते हैं, प्रिंट करा देते हैं ओरिजिनल डेटा फ्रेम, ओरिजिनल डेटा फ्रेम कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे. और इसको हमने प्रिंट करा दिया डेटा फ्रेम को, डीएफ. फाइन, ओके. अब हम एक स्टेटमेंट और ले लेते हैं यहां पर, प्रिंट करा देते हैं डेटा फ्रेम आफ्टर री इंडेक्सिंग रो इंडेक्सेस, ठीक है. रोज के हम इंडेक्स चेंज करेंगे, अभी हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, राइट? पहले मैं आपको देखो डेटा फ्रेम दिखा देती हूँ, बन के आगे हमारा डेटा फ्रेम, ठीक है. इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं. सो दिस इज आवर डेटा फ्रेम, ठीक है. यहाँ पे देखो आपके रो इंडेक्स क्या है, 0, 1, 2, 3 एंड 4, फाइन. और आपके यहाँ पे कॉलम नेम्स क्या है, कॉलम नेम्स है जो आपके डिक्शनरी की कीज है, नेम, एज एंड मार्क्स, राइट? तो अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर रो इंडेक्सेस को चेंज करना है. ओके, तो हम करेंगे रो इंडेक्सेस को चेंज यहाँ पर. इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ले लेते हैं df1 वेरिएबल, राइट? क्योंकि हम ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंज नहीं कर रहे, हम चाहते हैं रिजल्ट में चेंज हो जाए. df डॉट डेटा फ्रेम का कौन सा फंक्शन हम यूज करेंगे, रीनेम फंक्शन. फाइन, उसके अंदर हमने पैरामीटर पास कर दिया इंडेक्स, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इंडेक्स चेंज करना है, राइट? तो देखो आपका यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू दी हुई है, राइट, उस पे आप कर दो, उसको मैं चेंज कर देती हूँ फर्स्ट स्टूडेंट या फर्स्ट टू कर दो ओनली, राइट? फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट टू कर दो. देन वन इंडेक्स पे आपकी जो वैल्यू है, सॉरी वन जो इंडेक्स है उसको आप चेंज कर दो सेकंड टू. ओके, देन टू का जो है उसको आप कर दो थर्ड, राइट? फाइन, एंड थ्री है आपका जो इंडेक्स, उसको हम कर देते हैं फोर्थ. ओके, टू, फाइन. एंड जो फोर इंडेक्स वैल्यू है उसको हम कर देते हैं फिफ्थ.
fifth store. राइट अब यहाँ पे एक चीज देखो आप, यहाँ पे आपने क्या कौन सा पैरामीटर पास किया, इंडेक्स पैरामीटर पास किया है ओके और इंडेक्स पैरामीटर में जो आपने वैल्यू पास की है एज अ डिक्शनरी ओके जो इसको इनिशियलाइज किया है, इंडेक्स पैरामीटर को जो वैल्यू दी है वो क्या किस फॉर्म में है, डिक्शनरी की फॉर्म में है राइट और इसके अंदर आपने क्या किया है ओल्ड इंडेक्स वैल्यू एंड न्यू इंडेक्स वैल्यू राइट. ओल्ड इंडेक्स वैल्यू क्या है की और न्यू इंडेक्स वैल्यू क्या है उस इसकी की वैल्यू. समझ में आया, ओल्ड इंडेक्स वैल्यू आपने एज अ की दी है और न्यू इंडेक्स वैल्यू आपने एज अ की वैल्यू दी है राइट. इन द सेम वे ओल्ड इंडेक्स वैल्यू एंड न्यू इंडेक्स वैल्यू, ओल्ड इंडेक्स वैल्यू एंड न्यू इंडेक्स वैल्यू राइट ओके. नाउ चेंज कर दिया, अब हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे, प्रिंट df1 को आपने प्रिंट करा दिया, इसको एग्जीक्यूट करना है. नाउ यू कैन सी हियर, अब पहले आपका क्या था इंडेक्स, रो इंडेक्स क्या थे 0, 1, 2, 3, 4, अब क्या है फर्स्ट टू सेकंड टू थर्ड टू टू जो भी जो आपने दी है फाइन. तो यहां पे आपने क्या किया है रो इंडेक्सेस को चेंज कर दिया ओके ओके. अब मैं क्या करती हूँ इसी प्रोग्राम में, अगर मैं चाहती हूँ कॉलम लेबल्स को चेंज करना तो मैं यहाँ पे इंडेक्स पैरामीटर की जगह क्या कर दूंगी, मैं कर दूंगी कॉलम्स, COLUMNS कॉलम्स राइट. और वही इसी फॉर्म में हमें डिक्शनरी की फॉर्म में देना है ओल्ड कॉलम नेम एंड न्यू कॉलम नेम राइट. तो ओल्ड कॉलम नेम मेरा क्या है नेम है नेम और न्यू कॉलम नेम मैं दे देती हूँ स्टू नेम फाइन. देन मेरा क्या है एज एज राइट, इसको हम कर देते हैं टू एज फाइन ओके. आपका नेक्स्ट जो कॉलम नेम है वो क्या है मार्क्स, मार्क्स है इसको हम कर देते हैं आईपी, दिस इज आईपी आईपी मार्क्स राइट. और ये हम रेस्ट ऑफ द डेटा इसको आप डिलीट कर दो फाइन. तो यहाँ पे देखो मैंने आप कौन सा पैरामीटर दिया है, कॉलम्स पैरामीटर दिया है राइट. आपका ओल्ड कॉलम नेम है यहाँ एज अ की है एंड न्यू कॉलम नेम एज अ वैल्यू है ओके राइट. नाउ अब इसको क्या करना है हम सिंपली एग्जीक्यूट कर देते हैं. नाउ अब आप इसको देखो, आपके पहले जो कॉलम नेम्स थे वो क्या थे नेम एज मार्क्स राइट. अब आपके क्या है टू नेम टू एज एंड आईपी मार्क्स जो आपने क्या किया है चेंज किया है. तो यहाँ पे हमने क्या रीनेम फंक्शन की हेल्प से हमने कॉलम लेबल्स को चेंज किया है एंड रो इंडेक्सेस को चेंज किया है ओके. अगर आप कॉलम लेबल नहीं दे पास करना चाहते हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ से कॉलम लेबल हटा दो फाइन. और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक्सिस बताना है कि किस एक्सिस पे आपको ये चेंज करना है राइट. तो यहाँ पे हम एक्सिस पैरामीटर को पास कर देते हैं और मैं बता देती हूँ वन, यहाँ पे वन मीन्स आपका कॉलम एक्सिस राइट. अब नाउ इसको आप एग्जीक्यूट करो, सी आपका सेम चेंज आया है राइट. जैसे पहले आपने कॉलम लेबल दिया था तब आपका क्या हुआ था नेम चेंज हुए थे, इन द सेम वे अभी आपने एक्सिस वन दे दिया है, एक्सिस वन स्टैंड फॉर द कॉलम एक्सिस राइट. तो यहाँ पे आपके नेम्स चेंज होके आ गए, कॉलम लेबल्स चेंज होके आ गए ओके. नेक्स्ट फंक्शन इज री इंडेक्स मेथड राइट. इससे पहले हमने रीनेम किया था, अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या है री इंडेक्स मेथड राइट. द फंक्शन री इंडेक्स इज यूज टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द एग्जिस्टिंग इंडेक्सेस एंड लेबल्स. तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो आपका एक पर्टिकुलर डिफॉल्ट ऑर्डर होता है राइट रो इंडेक्सेस का एंड कॉलम लेबल्स का, उसको आप चेंज कर सकते हो फाइन. If the mentioned axes or columns do not exist in the data frame, these will be added as per the mentioned order and by default NaN values are filled in them. तो ये कह रहा है कि अगर आपने new order दिया
ठीक है, रो इंडेक्सेस का या कॉलम लेबल्स का, ओके, एंड आपने क्या किया उसमें एक्स्ट्रा इंडेक्सेस या एक्स्ट्रा कॉलम लेबल्स ऐड कर दिए, तो क्या होगा, वो आपके जो रिजल्टेंट मतलब जो आउटपुट डेटा फ्रेम में है वो कॉलम ऐड हो जाएंगे, वो रोज ऐड हो जाएंगी, पर उनकी वैल्यूज क्या होंगी, उनकी वैल्यूज NaN वैल्यूज होगी, नॉट अ नंबर वैल्यू, राइट, ओके। सिंटेक्स क्या है इसका, डेटा फ्रेम डॉट री इंडेक्स फंक्शन, और री इंडेक्स फंक्शन के अंदर आप पास करोगे इंडेक्स और कॉलम्स, राइट, इंडेक्स की वैल्यू और कॉलम्स की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, इसमें भी आप एज अ डिक्शनरी पास करोगे, राइट, एक्सेस की वैल्यू आप पास कर सकते हो, ओके, एक्सेस वन और जीरो, जो भी एक्सेस आपको चेंज करना है, रो एक्सेस आपको चेंज करना है या आपको कॉलम एक्सेस चेंज करना है, फिल अंडरस्कोर वैल्यूज में अगर आप कोई वैल्यू देते हो तो जो भी आपने न्यू रो ऐड की है या न्यू कॉलम ऐड किया है वो वैल्यू उसमें जाके ऐड हो जाएगी, फाइन। तो अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, सेम प्रोग्राम में हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर यहाँ से हम ये हटा देते हैं, रीनेम हम कर चुके हैं, फाइन, सी इसको हटा दिया, आपके पास डेटा फ्रेम बना हुआ है डीएफ नेम से, ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे री इंडेक्सिंग कर रहे हैं, ओके, यहाँ पे हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, फाइन, तो यहाँ पे देखो आप क्या कैसे करोगे, यहाँ पे मैंने डीएफ वन लिया, ओके, एंड अब डीएफ डॉट री इंडेक्स फंक्शन का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, फाइन। तो मैं पहले क्या करती हूँ, कॉलम का ऑर्डर चेंज करती हूँ, तो मैं यहाँ पे हेडिंग हम चेंज कर देते हैं, चेंजिंग कॉलम ऑर्डर कर दो, ठीक है, चेंजिंग, ओके, कॉलम ऑर्डर इन डेटा फ्रेम, ठीक है, कॉलम ऑर्डर हम चेंज कर रहे हैं, री इंडेक्स फंक्शन की हेल्प से आप क्या चेंज कर सकते हो, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो कॉलम्स का, कॉलम लेबल्स का एंड रो लेबल्स का, रो इंडेक्सेस का, फाइन। तो मैं यहाँ पे df डॉट री इंडेक्स फंक्शन के अंदर क्या करूंगी, मैं न्यू लिस्ट दे दूंगी कॉलम नेम्स की, जो भी मुझे चेंज करना है, फाइन, मैंने यहाँ पे दे दिया एज, राइट, मार्क्स, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास नेम है, नेम की जगह मैंने क्या दे दिया, एज दे दिया है, ओके, उसके बाद मार्क्स दे दिया है, और मार्क्स के बाद मैंने दे दिया है नेम, फाइन। और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कॉलम्स पैरामीटर को पास नहीं किया, तो यहाँ पे कॉलम्स पैरामीटर पास नहीं किया तो आपको एक्सेस पैरामीटर देना पड़ेगा, उसमें बताना पड़ेगा ये कौन सा एक्सेस है, वन एक्सेस है, राइट, अदरवाइज आपको कॉलम पैरामीटर यहाँ पे पास करना होता, तो मैंने कॉलम पैरामीटर पास नहीं किया, सिंपली आप क्या किया है, न्यू लिस्ट दे दी है कॉलम लेबल्स की जो मैं चेंज करना चाहती हूँ ऑर्डर, और एक्सेस बता दिया है मैंने वन, राइट, ओके, अब आप इसको एग्जीक्यूट करो, नो, आप यहाँ पे देखो, पहले आपका जो फर्स्ट कॉलम था वो नेम था, देन एज था, देन आपका मार्क्स था, ओके, नो, अब यहाँ पे देखो आपका जो फर्स्ट कॉलम है वो एज है, देन मार्क्स है, देन नेम है, आपने क्या किया है, अपने कॉलम्स का ऑर्डर चेंज कर दिया है, फाइन, ओके, और अगर देखो यहाँ पे अगर आप एक्सेस नहीं देते तो यहाँ पे आपको कॉलम पैरामीटर देना होता लाइक दिस, तो इसका ध्यान रखना है, या तो कॉलम पैरामीटर दो या फिर एक्सेस डिफाइन करो, राइट, कॉलम्स इक्वल्स टू दिस, फाइन। तो अगर आपने कॉलम्स पैरामीटर दे दिया तो आपको यहाँ पे एक्सेस डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इसको आप एग्जीक्यूट करोगे, सेम रिजल्ट, फाइन, ओके, चेंज होके आ गया एज, मार्क्स एंड नेम, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉलम लेबल्स का ऑर्डर चेंज किया है, ओके, ओके, अब देखो मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर मैं ऑर्डर चेंज करते टाइम मैंने क्या किया, एक और यहाँ पे नेम पास कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे नेम दे दिया क्लास दे दिया, फाइन। तो इसमें क्या है, हम री इंडेक्स फंक्शन की हेल्प से न्यू कॉलम्स एंड न्यू रोज को भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम नेम दे दिया क्लास, तो क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा, पर इसकी वैल्यूज क्या होगी, NaN वैल्यू होगी, फाइन, आप देखो इसको एग्जीक्यूट करो, अब देखो यहाँ पे आपका ये क्लास नेम का एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो गया है, सारी वैल्यूज क्या है इसकी, NaN वैल्यूज है, फाइन, बट मैं चाहती हूँ NaN वैल्यू ना आए, इसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू आए, तो आप कौन से पैरामीटर का यूज करोगे, यहाँ पे आप यूज करोगे फिल वैल्यू का,
fill underscore value, और इसके अंदर मैं एक वैल्यू दे देती हूँ, मैं यहाँ पे दे देती हूँ 12a. फाइन, मैंने fill underscore value पैरामीटर का यूज किया, उसमें वैल्यू दे दी है 12a, राइट क्लास. अब एग्जीक्यूट करेंगे, देखो अब यहाँ पे क्या है, इस कॉलम की सारी वैल्यूज क्या आ गई हैं, 12a, राइट. तो आपने क्या किया है, यहाँ पे वैल्यूज दे दिए हैं, एक कॉलम न्यू ऐड कर दिया है और उस कॉलम को वैल्यूज भी दे दिए हैं. फाइन, ओके. अब हम क्या करते हैं, अब हम चेंज करते हैं इंडेक्स का ऑर्डर, ठीक है. तो यहाँ पे ऊपर चेंज कर देते हैं, चेंजिंग इंडेक्स ऑर्डर इन डेटा फ्रेम, ओके. और यहां पे आप दे दो, इंडेक्स करके भी चलो इंडेक्स हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, नहीं तो आप सिंपली भी दे सकते हो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो रो इंडेक्स को ही लेता है. तो हम यहाँ पे देते हैं इंडेक्स, राइट. और इंडेक्स में आपने दे दिया एज अ लिस्ट के टू इंडेक्स पहले आए, देन वन, देन जीरो, देन थ्री एंड देन फोर. फाइन, इसको एग्जीक्यूट करेंगे. देखो अब पहले आपकी इंडेक्स वैल्यू क्या थी, 0, 1, 2, 3, 4, ओके, ये था ऑर्डर. अब आपका इंडेक्स का ऑर्डर चेंज हो चुका है, अब आ गया 2, 1, 0, 3, 4, जो आपने चेंज करके दिया था. फाइन, तो यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने इंडेक्स को क्या कर दिया है, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है, ओके. नेक्स्ट फंक्शन इज सेट सेट इंडेक्स, और यू कैन से सेट अंडरस्कोर इंडेक्स, राइट. बाय यूजिंग सेट अंडरस्कोर इंडेक्स मेथड वी कैन सिलेक्ट सम अदर कॉलम टू बी द इंडेक्स, और वी कैन ऐड अनदर इंडेक्स कॉलम. तो इसका, इस फंक्शन का क्या यूज है, इसकी हेल्प से जो आपका डिफॉल्ट इंडेक्स होता है रो इंडेक्स 0, 1, 2, 3, आप उसको चेंज करके किसी कॉलम को एज अ इंडेक्स बना सकते हो. फाइन, तो इसका सिंटेक्स क्या है, डेटा फ्रेम डॉट सेट सेट अंडरस्कोर इंडेक्स फंक्शन, और उसमें आप उस कॉलम का नेम पास करोगे जिसको आप क्या बनाना चाहते हो, न्यू इंडेक्स बनाना चाहते हो. फाइन, तो लेट अस डू इट प्रैक्टिकली. ओके, अब इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हम री इंडेक्स फंक्शन का यूज कर चुके हैं. अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक न्यू डिफॉल्ट इंडेक्स को हटाकर एक कॉलम को एज अ इंडेक्स बना रहे हैं, राइट. तो आप यहाँ पे हेडिंग चेंज कर सकते हो, मेकिंग नेम कॉलम एज रो इंडेक्स, राइट. तो नेम कॉलम को हम क्या करेंगे, रो इंडेक्स बनाएंगे. तो इसके लिए df1 आपने ले लिया, ओके, df डॉट सेट अंडरस्कोर इंडेक्स, राइट. और इसके अंदर मैं दे देती हूँ नेम कॉलम को. फाइन, नेम कॉलम आ गया हमारा, इसको एग्जीक्यूट करो आप. अब यहां पे देखो, पहले आपका रो इंडेक्स क्या था, 0, 1, 2, 3, 4, राइट. अब आपका रो इंडेक्स क्या बन गया है, आपका नेम कॉलम एज अ रो इंडेक्स बन गया है. फाइन, रो कॉलम, नेम कॉलम क्या बन गया है, इंडेक्स बन गया है, किसका, रोज का इंडेक्स. फाइन, तो यहाँ पे आपने क्या किया है, एक कॉलम को एज अ इंडेक्स सेट किया है, ओके, विद द हेल्प ऑफ सेट अंडरस्कोर इंडेक्स फंक्शन. नेक्स्ट वी हैव डिलीटिंग इंडेक्स. अगर आप इंडेक्स को डिलीट करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए हमारे पास क्या है, ड्रॉप मेथड, ड्रॉप फंक्शन, और यू कैन से ड्रॉप मेथड इज यूज्ड टू डिलीट द इंडेक्सेस इन अ डेटा फ्रेम. इंडेक्सेस को डिलीट करने के लिए आपके पास ड्रॉप फंक्शन है, और इसको आप कैसे यूज करेंगे, df.drop फंक्शन, और ड्रॉप फंक्शन के अंदर आप पास करोगे इंडेक्स वैल्यूज को एज अ लिस्ट, ओके, और एज अ सिंगल वैल्यू, जिसको जो इंडेक्स आप क्या करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, राइट. ओके, इसको प्रैक्टिकली करेंगे अभी. ओके, तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देती हूँ. फाइन, df.drop फंक्शन के अंदर आप दे दो इंडेक्स पैरामीटर को हमने पास कर दिया है, और एज अ लिस्ट आपको इंडेक्स वैल्यू देनी है. जैसे मुझे 1 को डिलीट करना है, तो मैंने ओनली अभी यहाँ पे 1 दिया है, राइट. इंडेक्स इक्वल्स टू, और लिस्ट एज अ लिस्ट मैंने आपको दे दिया है 1. फाइन, इसको एग्जीक्यूट करेंगे. सी, अब आप देखो जो आपका रिजल्टेंट आपका डेटा फ्रेम आया है, फाइन, उसमें आपका इंडेक्स जो 1 था, फाइन, वो रो क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है,
ओके। अगर आपको मल्टीपल रोज डिलीट करनी है तो जैसे मैं वन तो ऑलरेडी डिलीट कर चुकी हूँ, मैं यहाँ पे दे देती हूँ इंडेक्स जीरो एंड एंड थ्री, फाइन। तो मेरा क्या होगा, जीरो एंड थ्री इंडेक्स वैल्यूज डिलीट हो जाएंगी, फाइन। तो अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ सी, आपका क्या है, आपका इंडेक्स जीरो एंड थ्री डिलीट हो गया। अब देखो वन आ गया है, वन क्यों आ गया, क्योंकि मैंने इन प्लेस यहाँ पे इक्वल्स टू ट्रू नहीं किया है। तो ओरिजिनल यहाँ पे जो डेटा फ्रेम है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अगर मैं इन प्लेस टू दे दूंगी तो क्या होगा, ओरिजिनल डेटा फ्रेम में भी ये वैल्यूज ये रोज डिलीट हो जाएंगे, फाइन। तो अगर आप इन प्लेस टू कर दोगे तो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में भी क्या होगा, वो चेंज आ जाएगा, फाइन। प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।